अरे 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 मात उतरो। अबे देखो बचाओ यार। अच्छा आप कितनी लापरवाही है, आप सुनता ही नहीं किसी की बात। साफ सफाई देखिए, यहाँ पानी का दो बोतल सीट पे ही पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सफाई करने वाला है नहीं। हाँ वो तो बात है। कितने नहीं पड़ा था, तो ये बता 14 रुपए 70 पैसा हमका मिलता है। दोनों अलग अलग रहते हैं। की साफ सफाई होती है, इसलिए अपनी गाड़ी को गोरखपुर में 10 और 15 मिनट का हर ट्रेनों का हॉल्ट दिया जाता था। लेकिन आज मेरे के साथ ऐसा था कि आज हम बैठे थे तो आज हमारी गरीब रथ बिल्कुल बिफोर जो है ना हमारी होम टाउन छोड़ी। वैसे दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे को नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से अपनी गोरखपुर जंक्शन, और आज की हमारी जर्नी ट्रेन नंबर 12212 दिल्ली के आनंद विहार और बिहार के सायली चौक से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली गरीब रथ न्यूली एलिजिबल सेकेंड एलएचबी रन में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते अपनी गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर जंक्शन से। चलिए शुरू करते सफर को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी वीडियो के अंदर बने चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर आपसे बात करते हैं। डिपार्च हो रहा अमृतसर कटिहार के बीच चलने वाली अपनी अमरपाली एक्सप्रेस गोरखपुर जंक्शन से। चैन पुलिंग लो भाई, निकलते हो गए भाई। चैन पुलिंग अपनी अमरपाली एक्सप्रेस की, और भाई इतनी डिमांड है भाई ट्रेन की, पूरी तरह से ओवर पैक हम पैक आती है अपनी अमरपाली एक्सप्रेस अमृतसर कटिहार। देखो भाई स्लीपर तक पूरा ओवर पैक हम पैक है भाई, देख लो भाई पूरी गेट पर जो है ना ओवर पैक, देख लो कैसे लोग स्ट्रगल करता है भाई। अरे 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 मात उतरो। अबे देखो बचाओ यार, क्या कर रहे हैं। और ये हाल है भाई अपनी अमरपाली का जनरल कोच, देख लो भाई, देखो भाई कैसे लोग वाशरूम तक जो है ना, ये देखो भाई गार्ड वान का ये हाल है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर जंक्शन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आप गरीब रथ है आनंद विहार मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म 5 पे आने वाली है। लगभग डिस्टेंस हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, 108 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे नॉन स्टॉप अपने गोरखपुर जंक्शन से बगहा के बीच। 3 घंटा 15 मिनट की सफर हमारी रहेगी इस गाड़ी में। इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया गया है 33 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सिंगल रूट है इस वजह से। बाकी अभी फिलहाल डबल लाइन का जो है इस रूट में कंस्ट्रक्शन चला है। बाकी यही जो दीदी थी जो अभी अपनी अमरपाली एक्सप्रेस में चलती ट्रेन के आगे जो है ना ऐसे छलांग लगाते हैं, आप ऐसा गलती ना करें भाई। जब भी उतरें तो आगे की तरफ उतरें, पीछे की तरफ नहीं उतरें। डोंट डू दिस। तो मिलते हैं सीधे अपनी ट्रेन के अराइवल पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर 12212 आनंद विहार मुजफ्फरपुर अपनी गरीब रथ गोरखपुर के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे 25 मिनट डिले के साथ गाजियाबाद का वेब 5 के साथ लोगों को अराइवल हो रहा है न्यूली एलिजिबल फाइट गरीब रथ। फाइनली अपनी न्यूली एलिजिबल 3rd AC इकोनॉमी कोच के साथ अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ अराइवल। न्यूली एलिजिबल अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस का पहुंचने के टाइम था गोरखपुर में सुबह के 10:50 और 10 मिनट हॉल्ट के बाद इस ट्रेन का डिपार्चर था, लेकिन अपनी ट्रेन आधे घंटे डिले के साथ जो है ना वो अराइवल हुआ है सुबह के 11:20 पर। चलिए बोर्डिंग करते हैं। आज का कोच है अपना G7 के अंदर अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर न्यूली एलएचबी फाइट अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस भाई 3rd AC इकोनॉमी कोच में बदल चुकी है। पहले ग्रीन लिवरी आईसीएफ कोच के साथ चलती थी, अब फाइनली अपनी इकोनॉमी। बाकी चलते हैं अपनी सीट पर और जो है ना फिर यहाँ से डिपार्चर देखते हैं अपनी गोरखपुर जंक्शन से अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की। बाकी आज का अपना सीट है 40 नंबर यानी साइड लोअर। और भाई गोरखपुर आते कोच का कंडीशन देखो, केवल नाम का जो है ना गरीब रथ। आईसीएफ से एलएचबी कर दिया लेकिन कोई फायदा है नहीं, यही था कि भाई उसमें भी था कि गरीब रथ आईसीएफ में था अपनी साइड वाले में 3 सीट होता था, उसी में भाई अपर लोअर मिडिल भी होता था। लेकिन इकोनॉमी में है कि अपनी पैसेज कम दी जाती है लेकिन ऊपर वाला जो बर्थ होता है इसमें सर टकरा जाता है। यही हाल है अपनी 3rd AC इकोनॉमी कोच की। भाई देख लो कोच की अपनी
बाकी अभी गोरखपुर में ये हाल है। चलो गोरखपुर जंक्शन से डिपार्चर भी नहीं हुआ और भाई यह हाल अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस में देख लो भाई, किन्नरों का आतंक। मतलब इन लोग को रिजर्वेशन में कौन अलाउ करता है भाई, ये कोई नहीं पता। लेकिन गोरखपुर में गाड़ी अभी खड़ी है, लेकिन किन्नर लोग जो है ना आके मांगना शुरू कर दिया। यह हाल है एसी कोच में। तो नॉर्मल ट्रेनों की क्या हालत है, अभी ये गाड़ी जो है ना हमारे चंपारण जब बिहार में इंटेग्री, वहाँ भी लोग गरीब रथ में पहले ही वाला हाल कर देता है लोग मांगना। बाकी अपनी गोरखपुर जैसा मैं 10 मिनट और ही से, क्योंकि यहाँ पे अपनी गाड़ी की जो है ना भाई बाथरूम की साफ सफाई होती है, इसलिए अपनी गाड़ी को गोरखपुर में 10 और 15 मिनट का हर ट्रेनों को हल्ट दिया जाता है सफाई के लिए। देख लो भाई पानी फ्यूल किया जा रहा अपनी गोरखपुर जंक्शन, इसलिए स्टॉपेज अपनी 10 मिनट का और दिया जाता है। न्यू नवेली गरीब रथ निकल चुकी है अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गोरखपुर जंक्शन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट कर रही है। गाड़ी अपनी गोरखपुर जंक्शन से डिपार्ट कर ही रही थी भाई, बस किसी ने चैन फुल कर दी है। गलत चीज है यार, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। चैन फुलिंग करने के क्या फायदा, चलो डिपार्चर। निकल चुके आधे घंटे डिले के साथ इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म यानी गोरखपुर जंक्शन से, और यहाँ से नॉन स्टॉप आएगा अपना डायरेक्ट डेस्टिनेशन यानी बिहार के वेस्ट चंपारण बांका। बीच में बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो जर्नी में कंटिन्यू बने रही अपनी न्यू नवेली फाइट अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस की। गोरखपुर आनंद विहार हम सफर सुपरफास्ट संटिंग में। तो अपनी गोरखपुर जंक्शन का रेलवे यार्ड, यहाँ पे खड़ी अपनी कोलकाता गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस। कोलकाता के समय अपनी पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, जो कि यासिंग यार्ड में लगी हुई है। यार्ड में गोरखपुर जंक्शन से निकल चुके हैं और ये है अपनी गोरखपुर जंक्शन यार्ड। अभी आपने देखा गोरखपुर कोलकाता मैलानी एक्सप्रेस का एक यार्ड में था, उस साइड अपनी मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट जिसका गोरखपुर आनंद विहार में भी रेट शेयर होता है वीकली एक्सप्रेस के साथ। बाकी गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि सामने वैब 7 सेट के साथ जो है ना वो लगी हुई है गोरखपुर कैंट में। फिलहाल अपनी ट्रेन स्लोली स्किप कर रही है अपनी गोरखपुर कैंट को, और इस ओर लगी अपनी बनारस और गोरखपुर के बीच चलने वाली एक दिल्ली रेंट ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस। इस ट्रेन का भी जर्नी बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। बाकी इस इंटरसिटी में भी आपको एसी चेयर कार मिल जाएगा। लोग भी निकल चुका क्रॉसिंग के बाद, सामने आप लाइन देख रहे हैं जो गोरखपुर कैंट से निकल गया अपनी देवरिया बटनी, और बटनी से निकल जाएगा अपनी मऊ होते हुए वाराणसी की तरफ, और ये बटनी से निकल जाएगा यही लाइन अपनी छपरा सिवान के रास्ते मुजफ्फरपुर। लेकिन हम लोग जाएंगे वाया नरकटियागंज कप्तानगंज मुजफ्फर मोतिहारी के रास्ते अपनी मुजफ्फरपुर की ओर। अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो इस ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया था 9 फरवरी 2009 ईस्वी को, और उसी के साथ साथ इस ट्रेन में भाई पेंटिंग कर नहीं है, ऑनबोर्ड और रिकेटिंग की सुविधा आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और ये पहले कोच कंपनसेशन की मैं बात करूं तो पहले ICF ग्रीन लिवरी के साथ जब गरीब रथ चलती थी तो उस टाइम टोटल 18 कोचेज होते थे, लेकिन थर्ड एसी इकोनॉमी कोच LHB होने के बाद जो है ना इस ट्रेन का अपनी 20 कोचेज अपनी हो गया, 2 जनरेटर कार LHB होने के बाद। बाकी ये जो है गरीब रथ कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रेक जोन ऑपरेट होता है भाई नॉर्थन रेलवे द्वारा। बाकी ये जो अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस है भाई पेंटिंग कार किसी गरीब रथ में नहीं होता है, लेकिन इसका रेक शेयर होता है अपनी गया आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। बाकी इस ट्रेन का आज सेकेंड LHB रन है, इस पिछले वीक में जो है ना ये एक वीकली गरीब रथ है क्योंकि एवरी वेडनेसडे को चलती है अपनी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच।
आपको अपने आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में बात करते थे। स्टेशन का नंबर है 12212 जो कि वीक में केवल वेडनेसडे को चलती है। रात के 8:55 पर अपने दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से और 1058 किलोमीटर की दूरी तय करती है 21:15 में 12 होल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो स्टेशन का एवरेज स्पीड दिया गया 49 किलोमीटर पर आईसा में 110 किलोमीटर मैक्सिमम पर स्पीड था। अब शायद एलएचबी होने के बाद स्टेशन को 130 किलोमीटर की जो है ना वो दे दे। अगले दिन शाम के 6:10 पे अपनी पहुंच जाती है साई लीजिए के सर मुजफ्फरपुर और ठीक इधर से रिटर्निंग एवरी फ्राइडे को जाती है अपनी मुजफ्फरपुर से दिल्ली के आनंद विहार। आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस का 3rd AC इकोनॉमी कोच एलएचबी के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने आपको मिरर है जो कि नीट एंड क्लीन है। उसके साथ यहाँ पे बेसिंग दिया हुआ है, यहाँ पे लिक्विड सोप, उसके साथ नीचे डस्टबिन और यहाँ पैर से दबाइए पानी आ जाएगा। उसके साथ यहाँ डस्टबिन का हाल देख लो भाई और ये रहा फायर एक्सप्रेस और बाकी कोच का कंडीशन देखो आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ की। बाकी चलो वाशरूम का कंडीशन, वाशरूम के अंदर देखते हैं सामने मिरर है जो कि नीट एंड क्लीन है, छोटा सा ट्यूबलाइट, यहाँ हैंगर दिया हुआ है कपड़े टांगने के लिए, बाकी यहाँ लिक्विड सोप दिया गया, बाकी यहाँ देखिए बेसिंग नीट एंड क्लीन है, नीचे डस्टबिन दिया गया और यहाँ भी पानी फूल के लिए जो है ना यहाँ पैर दबाइए पानी आ जाएगा। वैसे साफ सफाई की बात करते हैं अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के तो भाई एलएचबी होने के बाद नीट एंड क्लीन है। आईसीएम में जब जर्नी किया था तो भाई बहुत ही बुरा हाल था। बाकी चलो कोच का कंडीशन देखते हैं अपनी न्यूली एलिफाइड 3rd AC इकोनॉमी कोच कैसे अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की। वैसे भाई इतनी ज्यादा गंदगी है ना, चलो देखते हैं आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस का 3rd AC इकोनॉमी कोच न्यूली एलिफाइड के बाद देखते हैं कोच का जो है क्या है। जैसे वंदे भारत में होती है वैसे ही इसमें भी ऐसे इसको जो है ना इसको प्लस करके ऐसे कोच। अब बाकी ये रहा अपनी 3rd AC इकोनॉमी कोच अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की कोच। बाकी देख लो इस साइड अपनी 3 सीट दी जाती है और इस साइड 2 सीट दी जाती है। नवेली LSB कोच अपनी 3rd AC इकोनॉमी कोच अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की। भाई देख लो कोच की कंडीशन देखो पहले क्या हो रखी है अपनी, इस ये हाल है अपनी 3rd AC इकोनॉमी कोच अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ। बाकी एक यहाँ पे LED स्क्रीन देखने को मिलेगा और एक उस गेट के पास। बाकी यही है अपनी 3rd AC इकोनॉमी कोच, यही होती है 3rd AC इकोनॉमी कोच में आपको पैसे जो है ना बहुत कम नॉर्मल 3rd AC से मिलती है और अपर वाले बर्थ पे बैठिएगा ना तो सर जो है ना वो टकरा जाता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस साइड आप देख लो यहाँ पे मिरर दिया जाता है, उसके साथ 2 कर्टन दिया गया, उसके साथ एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ और एक यहाँ स्टडी लैंप दिया गया, इसको दबा दीजिए हो जाएगा। बाकी इस साइड भी है, बाकी नीचे भी जो है ना स्टडी लैंप, बाकी फ़ोन चार्ज लगाने के बाद यहाँ होल्डर जैसे अमृत भारत में दिया गया वैसे ही है। बाकी यहाँ पे एक होल्डर दिया जाता है खाने पीने की रखने के लिए। बाकी साइड वाला में देखिएगा तो एक वहाँ भी स्टडी लैंप और फ़ोन चार्जिंग होल्डर, बाकी यहाँ भी देख लो इसको ऐसे कीजिए। बाकी 2 सीट होता है, बाकी क्या क्या है अंकल, क्या क्या है खाना, मटर पनीर मिक्स सब्जी है, दाल फ्राई है और चावल है, स्टैंडर्ड है भैया 150 का खाना है, बोल निकाल दे गरम बिल मिलेगा, इस में खाना खाओ बिल खाओ नहीं बिल मिलेगा, खाना मिलेगा बिल होगा सर, इसमें बिल नहीं है, साइड पेंट्री नहीं इसमें, दोनों अलग अलग रेट है। हाँ सर, बताइए कि आनंद विहार मुजफ्फरपुर हो या भागलपुर आनंद विहार या गया आनंद विहार या जयनगर आनंद विहार, ये चारों गरीब रथ जो है ना LHB फिलहाल नॉर्थन रेलवे के द्वारा 9 गरीब रथ को इंडियन रेलवे कही गई थी कि 9 ट्रेनों को LHB दी जाएगी, फिलहाल 4 ही गरीब रथ जो है ना LHB हुआ है हाल ही में। बाकी आपको पता है गरीब रथ कैटेगरी टाइप की ट्रेन में जो है ना पेंट्री कार नहीं होता है, लेकिन अब LHB हो गई है तो एक पेंट्री कार होना जरूरी है दिल्ली से बिहार या बिहार से दिल्ली जाते वक्त, ताकि पैसेंजरों को दिक्कत ना हो। बाकी साइड पेंट्री अवेलेबल है लेकिन ओवर प्राइस जो है ना वो बेचा जा रहा है। रेल ने पानी के बोतल 15 का 20 दिया जाता है और खाना 80 का खाना 150 में, बिल मांगिए तो बोलता है कि बिल नहीं है, इस साइड पेंट्री में बिल नहीं मिलता। ये हाल है हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस की कंडीशन। पर आप कोच का कंडीशन देखो कितनी गंदगी पड़ गई है, लोग जो है ना वैसे ही गंदगी पड़ रहा है, साफ सफाई वाला जो कोच का वो भी SH स्टाफ होता है वो भी नहीं आया साफ सफाई के। देखिए यहाँ पानी का 2 बोतल सीट पे ही पड़ा हुआ है लेकिन कोई सफाई करने वाला है नहीं। मेरे साथ एक अंकल ट्रेवल कर रहे हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं। अंकल आप कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार से। मैं आनंद विहार से आ रहा हूँ, मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, एंड टू एंड किस जगह जर्नी? ठीक है, आपके साथ क्या हुआ इस गरीब में? मेरा हुआ है कि रात को मैं जब एंट्री किया तो मैं रात को सोने टाइम में जब बेडशीट मांग रहा था बेडशीट नहीं दे रहा था। अच्छा, कौन सा कोच में? G8 में। अच्छा, G8 5 6 7 3 वर्ड था मेरा। अच्छा, और उसमें देने रहा था, फिर अंत में जाकर लड़ लुड़ के कंप्लेन लिया तब जाकर बेडशीट दिया है। अच्छा, और रात को टॉवल भी नहीं दिया हैंड टॉवल, फिर सुबह बोला कंप्लेन करो अभी तो टॉवल हैंड टॉवल दिया है। अच्छा, हाल पूछने के लिए ये कंडीशन है। अच्छा, आप कितनी लापरवाही है, यहाँ पे सुनता ही नहीं किसी की बात। अच्छा, पैसेंजर किसी बिल्कुल सुनता कुछ नहीं सुनता। सही बात है। और सीट के लेके क्या कहिएगा? LHB तो हो गई लेकिन इसका क्या कहिएगा? ये सीट जैसे बहुत छोटा सीट है, नॉट कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल नहीं है।
लेकिन वो गरीब रथ थी तो मिला जुला के वो सही था कुछ भी, लेकिन इकोनॉमी था ये इकोनॉमी ठीक है, गरीब रथ है, इकोनॉमी है ठीक है, लेकिन पैसे कम दे देता है, आदमी सटका जाता है और ढंग से एक आदमी सो नहीं सकता, सो नहीं सकता, पतला सीट दी जाता है, बिल्कुल बेकार सीट है, बेकार सीट दी जाती है। और साइड वाला में ये है कि इकोनॉमी में आपको दो सीट तो मिल जाएगा, लेकिन यही होती है कि इकोनॉमी में आपको सीट जो है ना बहुत छोटा दिया जाता है, बहुत छोटा दिया। और गरीब रथ में था कि साइड वाला में भले तीन सीट देता था, थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ा, लेकिन ज्यादा अच्छा था, कुछ भी था, लेकिन वो हरा वाला बहुत ही ज्यादा अच्छा, अब बदल गया तो हरा वाला बहुत ही बेकार है, बेकार है, गरीब नाम का है गरीब, लेकिन काम कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये हाल है अंकल के साथ, आपने स्कैम सुनी लिया कि भाई आनंद विहार से अंकल जी आ रहे हैं, लेकिन जाएंगे मुजफ्फरपुर तक, लेकिन रात में 8-9 बजे करीब गाड़ी, मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, पूरा इंडिया ट्रेवलिंग करता हूँ, लेकिन इतना घटिया जैसे कभी कहीं मिला ही नहीं, चाहे राजधानी हो या गरीब रथ, मैं मुंबई जाता हूँ शहर दिल्ली से, दूसरों भी गरीब से जाता हूँ, उसमें इतना अच्छा निजामुद्दीन बांद्रा, हाँ निजामुद्दीन बांद्रा भी है और ये यहाँ भी है शहर बांद्रा भी है, उसमें भी ज्यादा फैसिलिटी अच्छा है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल बेकार है, ये बिहार के नाम पर ठगी हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हाल है भाई अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की, हाल 14 रुपए 70 पैसा ट्रेन अपनी कप्तानगंज जंक्शन को स्किप कर रही है, अपनी ट्रेन अभी जस्ट कप्तानगंज जंक्शन को स्किप की है, जहाँ से एक लाइन हम लोग आए हैं गोरखपुर लाइन से, और यहाँ से हम लोग निकल गए नरकटिया की, और तीसरी लाइन यहाँ से निकल गए अपनी रमकोला पड़ावना थावे के रास्ते अपने सिवान की ओर, इसीलिए तीन लाइन मिलती है, इसीलिए कप्तानगंज को जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। साइड से आ चुका 15273 रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस, और भाई जनरल कुछ का पैक अनपैक देख लो भाई, क्या पूरी तरह से ओवर पैक है भाई, जनरल स्लीपर एक हो जाती है, बाकी स्लीपर भी इस गाड़ी का स्लीपर जनरल देख लो पूरी तरह से ओवर पैक है भाई, बिहार से दिल्ली वाले गाड़ी आपको खाली ना देखने को मिले, देख लो लोग गेट तक बैठे हुए हैं, खड्डा में रुकी हुई थी, वैसे तो स्टॉपेज था नहीं बट सिग्नल लेने के काम, क्योंकि यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई अपनी रक्सौल आनंद विहार के बीच चलने वाली अपनी सत्याग्रह एक्सप्रेस, इसी ट्रेन के आने की वजह से अपनी ट्रेन को रोका गया था भाई अपनी खड्डा, बाकी यहाँ से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है, सत्याग्रह एक्सप्रेस के क्रॉसिंग होने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी खड्डा रेलवे स्टेशन से, और भाई ये विकलांग कोच है अपनी सत्याग्रह एक्सप्रेस का, ये हाल है पूरी तरह से ओवर पैक भाई, बिहार से दिल्ली वाला गाड़ी आपको खाली देखने को मिलेगा कभी, हमारी
MI-10 क्रॉस कर चुके हैं बिहार और यूपी बॉर्डर यानी पनियावा गंडक रिवर ब्रिज को, और ये जो रोड देख रहे हैं सामने यही अपनी यूपी बिहार को कनेक्ट करता है भाई। और क्या गजब कर आप जो घने जंगलों के बीच इतना भीड़ देख रहे हैं, ये अपनी मदनपुर महादेवी मंदिर स्थान है जो कि यहाँ पे झूला वगैरह भी लगा हुआ है और पर डे यहाँ पे काफी सारा श्रद्धालु जो है ना इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मदनपुर महादेवी स्थान मंदिर देखिए सामने आपको दिख रहा होगा ये वाला पूरा, भाई दर्शन कर लो ट्रेन से ही आप लोग। घने जंगल हमारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को स्किप कर रही है, ट्रेन हमारी इंटर कर रही है बगहा रेलवे स्टेशन मेरा डेस्टिनेशन। तो पहले क्या ब्यूटीफुल कर्व ले रही है भाई अपनी ट्रेन पूरा कर्व पे, और सामने अपनी SSB कैंप बगा का फाइनल डेस्टिनेशन हमारी यानी आधे घंटे बिफोर हमारी ट्रेन इंटर कर चुकी अपनी बगहा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म दो पर। फाइनली गोरखपुर से 108 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी वेस्ट चंपारण अपनी बगहा रेलवे स्टेशन, और ये गाड़ी अपनी गोरखपुर से नॉन स्टॉपेज का बिहार का पहला स्टॉपेज है अपनी बगहा। वैसे अपनी गरीब रथ का पहुंचने का टाइम था अपनी बगहा में दोपहर के 2:12, लेकिन अपनी गरीब रथ जो है ना 1:42 यानी 30 मिनट यानी आधे घंटे बिफोर छोड़ी हुई। जिस दिन इस ट्रेन का फर्स्ट लेज भी रन हुआ था उस दिन ये गाड़ी ईद के दिन लगभग शाम में पहुंची थी, काफ़ी डिले हो गई थी, लेकिन आज मेरे किस्मत ऐसा था कि आज हम बैठे थे तो आज हमारी गरीब रथ बिल्कुल बिफोर जो है ना हमारी होम टाउन छोड़ी। वैसे सेकेंड LH भी रन था और भाई जर्नी थर्ड AC इकोनॉमी का अच्छा था, लेकिन यही था कि भाई इस ट्रेन में भी पेंट्री स्कैम काफ़ी ज़्यादा हो रही है। 15 का रेल पानी का बोतल अपनी 20 में दी जा रही है, 80 का खाना 150 में, बिल मांगने पर नहीं दिया जा रहा। बाकी यही हाल है अपनी आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ के। चलिए इस जर्नी को हम एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी, इंस्टा फेसबुक फॉलो कीजिए मेरे अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।